हेलो एंड वेलकम टू ए ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5 गेम प्ले। तो अब तक हमने देखा कि कैसे ट्रेवर ने लॉस्ट एमसी, एस्टेकाज, ऑर्टेकाज और ओनील ब्रदर्स सब गैंग्स का बिजनेस टेक ओवर करके ट्रेवर फिलिप इंडस्ट्री को ब्लेन काउंटी में टॉप पर पहुंचा दिया है। लास्ट एपिसोड में तो उसने ओनील ब्रदर्स की मेथ लैब को, जो कि उनके फार्म हाउस में थी, उसे ही उड़ा दिया। अब ट्रेवर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब इस एपिसोड में क्या उड़ाने वाला है ट्रेवर, आओ चल के देखते हैं। तो ट्रेवर अब अपने घर पे पहुंच गया है। और अरे, ये वेड कहां से निकल गया, भाग क्यों रहा है वेड ये? You're not even hidden. चल भाई आ जाओ, वापस आ जा फटाफट। I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know. क्या करता है ये, बुलाता है फिर मारता है उसे बेचारे को। ये वेट की तो इसने वाटी लगा रखी है। I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. ये माइकल टाउनले, माइकल टाउनले को ढूंढा जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसको दो बंदे मिले, बट एक बहुत ही बड़ा है और दूसरा बहुत ही छोटा है। ओके ट्रेवर, शट अप बिफोर आई मोलेस्ट यू, ऑलराइट? नाउ इज देयर एनीथिंग एल्स? आई लुक थ्रू द फोन डायरेक्टरी, आई गेट फाइंड अ माइकल। एक बंदा मिल गया इसको, माइकल डी सेंटा, और सारे उसके जो प्रोफाइल है वो मैच भी कर रहा है। दो बच्चे हैं, एक वाइफ है, वाइफ का नाम भी अमेंडा निकल गया। अरे भाई, ट्रेवर की तो लॉटरी लग गई। अब ये ले, एक और ले इसी खुशी में। फ्री फंड में फटके मार रहा है इसको। वी आर गोइंग टू लॉस सैंटोस। What about me? You're CEO of Trevor. चल भाई, तब तक तू यहाँ का काम संभाल, तुझे CEO बना दिया ट्रेवर फ्लिप इंडस्ट्रीज का ट्रेवर ने। Let's go. Wait, come on. और ट्रेवर चला अब लॉस सैंटोस। फाइनली अब हमें देखने को मिलेगा कि माइकल और ट्रेवर का क्या रिएक्शन होता है जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। I gotta make a stop. चलो पहले हम अपनी हेल्थ पूरी कर लेते हैं। हमारी हेल्थ आधी है, ये रही हेल्थ हमारे पास। हेल्थ की जरूरत कभी भी पड़ सकती है हमें। चलते हैं हम अपनी वैन में, आके बैठ गए हैं हमारी गड्डी में। Where are your people at in Los Santos? It's just my cousin there, Floyd. He's ये अब कहाँ जा रहे हैं? ये तो बोल रहा है मेरे को कुछ और काम है जाने से पहले। अच्छा, वेस्प्यूची बीच में है इसका कजन वेड का, जहाँ हमें जाना है। ओके, लेकिन अब ये कहाँ जा रहे हैं? अब लॉस सैंटोस जाने से पहले ट्रेवर को कौन सा काम पड़ गया यार? अब ये तो बहुत ही सीक्रेट होता जा रहा है। क्या करेगा अब ये, कहाँ जा रहा है अब ये? सब गैंग्स को तो खत्म कर चुका है अब ये। ओहो, लॉस्ट एमसी के पास जा रहा है अब ये। दोबारा से उनका पूरा खात्मा नहीं हुआ है। लॉस्ट एमसी सबसे बड़ा गैंग है इस रीजन का, और उसकी वाट लगा दी है इसने। इसने खुद पंगा लिया लॉस्ट एमसी से, लॉस्ट एमसी के लीडर को मार डाला, और फिर उसके बाद उनके गैंग का बिजनेस हटिया लिया, एयर स्ट्रिप हटिया ली। और अब भाई साहब लॉस्ट एमसी के मेन अड्डे पे जा रहे हैं। अब वहां जाकर के क्या करेगा ये? चलो पहुंच गए हम लोग यहां पर। ये बंदे यहाँ पे बैठे हुए लॉस्ट एमसी के, रिमोर्स मोड में है। इनके भाइयों की हालत खराब हो गई, आधे तो मर गए, आधे भाग गए ट्रेवर की वजह से। प्लांट द स्टिकी बॉम्ब ऑन द ट्रेलर। अरे भाई, ये तो सब कुछ खत्म कर देगा यहाँ पर, धूम धड़ाका मचा देगा यहाँ पर। ये तो बिल्कुल ही खत्म कर देगा, जीरो कर देगा ये।
लॉस्ट एमसी के गैंग को सबको भगा देगा यहाँ से, इनका गैंग का अड्डा ही ख़त्म कर देगा ये। और फटाफट चलते हैं हम और चल करके स्टिकी बॉम्ब लगाते हैं ट्रेलर्स पे। 5 ट्रेलर हैं जहाँ हमें स्टिकी बॉम्ब लगाने हैं, तो एक तो हमने लगा दिया फटाफट। अब चलते हैं दूसरे ट्रेलर की तरफ, हमको मैप में दिख रहा है वो हमारे पास में ही है। वेट से इसने स्टिकी बॉम्ब मंगाए थे, इसी रीज़न के लिए मंगाए थे। उनकी पूरी बस्ती को उड़ा रहा है ये, लॉस्ट एमसी का पूरा अड्डा जहाँ पर है वो पूरा तहस नहस कर रहा है, पूरा भगा रहा है इन्हें ब्लेन काउंटी से। नाइस शॉट, दूसरा ट्रेलर भी हमने फिट कर दिया स्टिकी बॉम्ब से। ये बंदे निकल रहे हैं यहाँ पर, लॉस्ट एमसी के बंदे निकल रहे हैं भाई, इसे थोड़ा बचना पड़ेगा हमें। और ये हम पहुँच गए हमारे तीसरे ट्रेलर के पास। अब तक तो आसानी से हो गया हमारा सारा काम, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आई है हमें। ये स्पॉन हो गया बंदा एकदम से रेड डॉट में, आराम से जाना पड़ेगा। अरे एक और बंदा आ गया सामने, स्नीक मोड में हो जाते हैं अब हम। ये तो दूसरी तरफ देख रहा है, ये अच्छा मौका है इस पे स्नीक अटैक करने का। अरे पहले स्नीक की बॉम्ब को अंदर रख देता हूँ मैं, ये लो। बड़ा मज़ा आता है पीछे से अटैक करने में। ये हुए 4 ट्रेलर कंप्लीट हमारे, अब एक आखिरी ट्रेलर रह गया है। बड़ा ही मज़ा आएगा, ये पूरी जगह उड़ा देगा, धूम धड़ाका कर देगा यहाँ पर। अरे ये बंदा स्पॉन हो रहा है यहाँ पर, बच के गन निकाल लेता हूँ, इसे बच के जाना पड़ेगा। चलो चलो मुझे मत देखो, यहाँ पर मत देखो गाइस, मत देखो मुझे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चलो बच गया, अब हम यहाँ से निकल लिए हम फटाफट। लेकिन सामने एक बंदा है, गन अंदर रख लेते हैं हम, अगर शोर हुआ तो इनको पता लग जाएगा कि मैं हूँ यहाँ पर, इन्हें मेरी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा तो हमारा काम और मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से बारिश हो रही है तो हमारे स्टेप्स वगैरह सब सुनाई नहीं दे रहे हैं। ये छुछुंदर यहाँ पता नहीं किससे बातें कर रहा है, इसका तो काम तमाम कर दूंगा मैं, ये ले। हो गया इसका काम तमाम, खलास। चलो लगा दिया हमने 5 डेटोनेट द बॉम्ब बिफोर लीविंग द ट्रेलर पार्क। डेटोनेट करके ही जाएंगे हम, यहाँ पर आए ही इसीलिए हैं, लेकिन हम डेटोनेट करेंगे अपनी गाड़ी में पहुँच करके, ताकि उसके बाद अगर कुछ भी होता है, ये लोग अटैक वगैरह करते हैं हम पर, तो हम भाग सकते हैं यहाँ से आराम से। लड़ने का हमारा मूड नहीं है, स्नीकी वे में हमारा सारा काम हो गया है, तो चलो चलते हैं अपनी गाड़ी के पास फटाफट। ये लंबे रूट से क्यों जा रहा हूँ मैं। चलो पहुँच गए और भड़ाम उड़ा देते हैं सबको अब हम। पूरे अड्डे को उड़ा दिया। अरे अभी भी बंदे तो जिंदा है भाई, ये बंदा यहाँ पर था, इसको हमने कुछ किया नहीं तो ये जिंदा है, तो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं लॉस सैंटोस में, अब हमें लॉस्ट एमसी के बंदे परेशान नहीं करेंगे, बहुत ही कम बंदे रह गए हैं ये। लेट्स गो फाइंड माय ओल्ड बॉडी। चलो अब चलते हैं माइकल की तलाश करने। ये वेट बहुत ही बोलता है, बहुत ही बकवास करता है ये। क्या कह रहे हैं सुनते हैं अब ये। कह रहा है मैं अपने डेड फ्रेंड से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं उस FIB एजेंट से परेशान हूँ जिसने उससे मारा। मतलब माइकल पे गुस्सा नहीं है ये, क्या कह रहा है ये ट्रेवर। माइकल ने FIB एजेंट के साथ मिलकर के इसके साथ चीट किया, तब भी ट्रेवर FIB एजेंट से गुस्सा है लेकिन माइकल से गुस्सा नहीं है।
तो मजा आएगा जब ये मिलेंगे तब पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब ये तो सब कुछ यहाँ खत्म करके ब्लेन काउंटी से जा रहा है लॉस सैंटोस में, मतलब कि एक गांव से जा रहा है निकल के शहर में। देखा जाए तो ब्लेन काउंटी एक छोटी जगह है और लॉस सैंटोस एक बड़ा शहर। अभी अपनी बातें कर रहे हैं, आलतू फालतू बातें चल रही हैं कि ट्रेवर कोई कहानी सुना रहा है इसको वेड को, और वेड बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है। How about this? I'll tell you a story if you promise never to speak again. देखा मैंने कहा ना ये वेड बहुत ही बकवास करता है, ट्रेवर नहीं चाहता इतना बोले, इसलिए अब ट्रेवर ही बोल रहा है। ट्रेवर ही बोल रहा है और वेड सुन रहा है, क्या मजा चल रहा है यहाँ पर, क्या जोड़ी है इन दोनों की। बट ट्रेवर तो बहुत ही जबरदस्त बंदा निकला, सब गैंग्स को खत्म कर दिया इसने, जो थोड़े बहुत बहुत लोग बचे थे वो भाग गए इधर उधर, दोबारा गैंग बनाएंगे जब तक, तब तक ये माइकल को ढूंढ लेगा। माइकल मिलियंस कमा के बैठा हुआ है और ये अभी थोड़े बहुत पैसे कमाता है चोरी चकारी करके, लूटपाट करके, डकैती करके। ट्रेवर जब माइकल से मिलेगा तो वो सीन होगा देखने लायक। और ये लॉस सैंटोस शहर यहाँ से दिख रहा है रोड से, आहा क्या जबरदस्त लग रहा है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, आप हिल साइड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और साथ में शहर का व्यू, बहुत ही मजेदार व्यू है ये, बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। जैसा कि मैं कह रहा था, लॉस सैंटोस इनका बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, रात में लाइटें जल रही हैं, बड़ा ही मजा आएगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ जैसे ही ट्रेवर मिलेगा माइकल से। क्या कहेगा, जाते ही घूसा मारेगा या फिर बोलेगा तूने ये क्या किया। चलो अब हम थोड़ा शहर का व्यू लेते हैं यहाँ से। ये हमारी लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं। ओहो, क्या लग रहा है लॉस सैंटोस यार, जबरदस्त। 10 साल हो गए, 10 साल। गुस्सा तो चढ़ रहा है इसे माइकल के ऊपर। आई ग्रीव्ड फॉर यू, और तू मरा भी नहीं, मरने का नाटक कर रहा था, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अब असली मजा तब आएगा जब ट्रेवर माइकल से मिलेगा, वो मोमेंट बहुत ही गजब होने वाला है। फिलहाल अभी हम चलते हैं गो टू वेड्स कजन अपार्टमेंट, जो कि वेस्प्यूची बीच पर है। बीच वाले अपार्टमेंट तो बड़े महंगे होते हैं भाई, इसका कजन तो बहुत मालदार पार्टी लग रहा है मुझे। चल भाई, इसे तो स्टोरी सुनने की पड़ी हुई है। He could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. बच्चे की कहानी चल रही है। बच्चा बड़ा कैपेबल था, लेकिन उस पे विक से जादू करवा दिया इन लोगों ने। अब वो बेचारा डिस्पेयर में रहता है। ओहो, कुछ भी बकवास चल रही है। दोनों नशेड़ी हैं, नशा करके स्टोरी सुना रहे हैं एक दूसरे को। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम ट्रेवर से। चलो हम पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, हम सिटी में आ गए हैं यहाँ पर। ले इसने से चोर बना दिया, वो बेचारा रॉबिंग कर रहा है, लोगों को जाके लूट रहा है ये। अरे भैया, ट्रेवर राइटर बन गया भाई तू। ट्रिप क्लब भी पहुँचा दिया इसने उस बच्चे को। ले भाई, सही मायने में असली क्रिमिनल तो ट्रेवर है। जो क्रिमिनल कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही है GTA 5, वो ट्रेवर का है।
क्योंकि ये ही इसी को इतना अग्रेसिव दिखाया है। माइकल तो अपना शांति से जिंदगी गुजार रहा है और फ्रैंकलिन अपना अभी भी मोरालिटी में रहता है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, बट असली गुंडा है ट्रेवर। तो हम पहुंच गए हैं वेड के अपार्टमेंट में, डायरेक्शंस बता रहा था ये, वेड के कजन के अपार्टमेंट में। चलो और चल पड़ा वेड ऊपर। अब हम चलते हैं, इट्स अप हियर ट्रेवर। ट्रेवर पहुंच गया है लस सांटोस में। चल भाई ट्रेवर, दरवाजा ही नहीं खोल रहा भाई इसका कजन, ले तोड़ दिया दरवाजा। क्या एंट्री करी है, ले भाई शुरू में ट्रेवर ने अपना कमाल दिखाया, दरवाजे पे मारी लात। वेड का कजन गिर गया बेचारा। ले भाई तो लाइटर वाइटर मांग रहा, कह रहा तू स्मोक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अरे इसकी गर्लफ्रेंड की जगह है भाई ये। मैंने तो सोचा था ये थोड़ा अमीर होगा, लेकिन ये तो गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में रह रहा है भाई। एवलिन नाम है गर्लफ्रेंड का इसकी। कह रहा भागो यहाँ से, तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। अगर इसे पता चला, इसकी गर्लफ्रेंड को पता चला ये दोनों आए हैं, तो ओहो इसे भी निकाल देगी। ट्रेवर कह रहा है चल कोई ड्रिंक लेकर के आ भाई, ड्रिंक लेकर के आ, ये सब बकवास छोड़। ले दोनों को भेज दिया इसने ड्रिंक लाने के लिए। ओहो बूज। फ्लॉइड अपार्टमेंट कैन नाउ बी यूज्ड एज अ सेफ हाउस। ओके व्हीकल्स भी पार्क कर सकते हैं हम। गेम सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पर, मेरा मिशन पास हो गया, फ्रेंड्स रीयूनाइटेड, जो कि होने वाला है आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आ गया है ट्रेवर लॉस सैंटोस में। माइकल फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर आर नाउ ऑल अवेलेबल टू स्विच बिटवीन। ओके अब शहर में आ गया है तो इसके थोड़े कपड़े वपड़े बदल देते हैं हम, तभी मजा आएगा, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। लॉस सैंटोस में आ गया है अब ये, ऐसे थोड़ी ना फटीचर बन के घूमेगा ये, एक फटी हुई शर्ट, गंदी शर्ट। तो गाइज आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द नाइल्स कुम चैनल, ऑल्सो क्लिक बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट ऑन GTA 5। गाइज इफ यू हैव एनी सजेशंस comment down below, I really appreciate it. I repeat, comment down below. Next video mein fir aapse mulaqat hogi. The Niles Kum, sign in off.